दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत की आईपीएल 2024 में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर उनकी टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत पर बैन का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है स्लो ओवर रेट। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 4 मैच खेले हैं जिनमें 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और ये दूसरी बार है कि स्लो ओवर रेट के चलते पंत पर एक्शन लिया गया है। बीसीसीआई ने इस पर पंत पर 24 लाख का जुर्माना लगाया है, साथ ही उन पर बैन होने का खतरा भी मंडरा रहा है। इससे पहले उन पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था। पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 2 मैचों में नियमित समय के अंदर 20 ओवर पूरे नहीं कर सकी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ साथ इस बार अन्य खिलाड़ियों पर भी 6 लाख रुपए या मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। स्लो ओवर रेट के नियम के बारे में बात करें तो पहली बार तय समय सीमा में 20 ओवर पूरे नहीं होते तो 12 लाख का जुर्माना और उसी सीजन में दूसरी बार ऐसा होने पर 24 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही टीम के अन्य खिलाड़ियों पर 6 लाख या मैच फीस का 25% जुर्माना लगता है। अगर तीसरी बार भी ऐसा होता है तो टीम के कप्तान पर 30 लाख का जुर्माना लगाने का नियम है। साथ ही टीम के बाकी खिलाड़ियों पर 12-12 लाख रुपए या उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि किसी भी टीम के 90 मिनट में 20 ओवरों फेंकने का कोटा पूरा करना होता है, लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम ने बुधवार को हुए केकेआर के बीच मैच में 20 ओवर के लिए 2 घंटे का समय ले लिया। वहीं सीएसके वाले मैच में दिल्ली तय समय सीमा से 3 ओवर पीछे चल रही थी। बुधवार को हुए मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रनों से मात दी। केकेआर ने सुनील नरेन की विस्फोटक पारी की मदद से 20 ओवर में 272 रन बनाए थे, लेकिन दिल्ली की टीम 166 रन ही बना सकी और इस तरह मैच 106 रनों से हार गई।